गाइस जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पर 4 फोटो कॉलेज वाली रील इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल देखी होगी। वो कोई भी एडिटिंग नहीं है, वो एक इंस्टाग्राम की टेम्पलेट है। उस टेम्पलेट का यूज करके लोग अपनी रील्स को अपलोड कर रहे हैं और वो रील इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में वायरल चल रही है। और आज की इस वीडियो में बिल्कुल इजी मेथड से 4 फोटो को कॉलेज करने के बाद वो रील एडिटिंग करना सिखाऊंगा। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे और इस वीडियो को देखकर आपकी रील एडिट हो जाए तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टू गेट स्टार्ट योर वीडियो। सो अब मैं अपनी फोन की स्क्रीन को आपके सामने शो करा देता हूँ और हाथों हाथ आपको हैंड टू हैंड आपकी रील्स एडिटिंग करके दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले आई होप कि आपको यहाँ पर स्क्रीन शो हो रही होगी। सो मैं अपने यहाँ पर अपने फोन में पिक्स आर्ट को ओनली फोटो कॉलेज करने के लिए हम अपने फोन के अंदर पिक्स आर्ट ओपन कर लेते हैं और ये आपको प्ले स्टोर पर आईफोन में ऐप स्टोर से अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, सो सिंपली हमें यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है। वैसे तो नीचे सामने ही आ जाता है कॉलेज का ऑप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मे का कॉलेज पर क्लिक करता हूँ। कॉलेज करने के बाद यहाँ पर जितने फोटो के साथ अपने अपनी कॉलेज करना चाहते हैं, फोटो को मर्ज करना चाहते हैं, उतने फोटो को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, सो मैं यहाँ पर रख करता हूँ। ओनली हमें यहाँ पर ओनली 4 फोटो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो जल्द से मैं यहाँ पर 4 फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइज अपने। देखिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 फोटो सिलेक्ट कर लिया। देन नेक्स्ट पर ऊपर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा एड आएगा, इस एड को हम कट कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कट का ऑप्शन आ गया, मैं इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद सिंपली यहाँ पर हमें ये 4 फोटो हमारे आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें तो अपने सिंपल 4 एंगल्स में फोटो लेना है। 4 फोटो को तो स्क्रॉल करना है और यहाँ पर अभी हमें थोड़ा आगे मिल जाएगा। ये देखिए हमें 4 फोटो यहाँ पर मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली रेशियो पर क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे स्टोरी पर क्लिक। ठीक है, ये हमारे इंस्टाग्राम का रेशियो हो गया। अब सिंपली बॉर्डर पर क्लिक करना है और इसके बॉर्डर कर देंगे 0। ये 4 फोटो कॉलेज हो गया। अब सिंपली ऊपर से इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये तो डाउनलोड हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली अपने फोन के अंदर इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ओके, सो मैं अपने फोन के अंदर इंस्टाग्राम को अपने ओपन कर लेता हूँ। आपके सामने लाइव प्रूफ स्क्रीन चल रही है तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रील को ऐड कर लेता हूँ। सो जैसे कि मैं इसकी वॉल्यूम को कम कर लेता हूँ, तो जैसे कि आप यहाँ पर ये रील देख रहे हैं, ये वही 4 फोटो कॉलेज वाली रील है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, और इस रील की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना, ये रील आपके सामने इंस्टाग्राम पर ओपन हो जाएगी। पहले आप अपने 4 फोटो कॉलेज कर लेना। देन इसके बाद मैं यूज टेम्पलेट पर क्लिक करूंगा। यूज टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड मीडिया पर क्लिक करना है। ऐड मीडिया पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट फोटो आपको यहाँ पर वो ऐड करना है जो आपने फोटो अपना कॉलेज किया है। देन उसके बाद यहाँ पर हम अपना दूसरा फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमने मतलब आपको वही फोटो ऐड करना है जो आपने फोटो कॉलेज में यूज किया है। तो फोटो मेरे लास्ट में ही है, मैं एक बार लास्ट चेक कर लेता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पर मेरे ये फोटो आ चुका है। ये देखिए, ठीक है, सो यहाँ पर मैं वही फोटो ऐड कर लेता हूँ जो मैंने कॉलेज में ऐड किए थे। तो मैंने यहाँ पर ये 4 फोटो सिलेक्ट कर लिए। सिंपली नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारी वीडियो ऑटोमेटिक बन जाएगी, कुछ भी हमने इसमें नहीं कराया। ओके, सो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करना, और अभी तक मुझे पता है आपने लाइक नहीं किया है, थोड़ा प्रोसेसिंग चलेगा, इतने आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग चलेगा क्योंकि हमें विदाउट कुछ वर्क करें हमारे यहाँ पर रील ऑटोमेटिक सेव हो रही है, तो थोड़ा टाइम तो यहाँ पर लगेगा ही, वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा कुछ। तो गाइस यहाँ पर देखें हमारी रील ऑटोमेटिक यहाँ पर बन चुकी है, जैसे कि आपने भी देखा। ठीक है, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये देखिए आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से ही सो हमारी वीडियो सॉन्ग के साथ ऑटोमेटिक बन चुकी है। बस यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करके हैशटैग वगैरह लगा के और अपनी वीडियो को अपलोड कर देना। अगर आप इम्पोर्टेंट हैशटैग के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से हैशटैग यूज करके हम अपनी रील को वायरल कर सकते हैं, सो आप मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ जाऊँगा।